वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के बारे में, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, उसके बाद में इसके रिएजेंट्स की बात करेंगे, और उसके बाद में प्रोसीजर देखेंगे एस्टिमेशन करने का। तो जनरली एस्टिमेशन जो है उसका मतलब होता है ऐसे या फिर परसेंटेज प्योरिटी को निकालना कि उसकी जो प्योरिटी है वो कितनी परसेंट में है। तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जो सोडियम क्लोराइड का हमें एस्टिमेशन करना होता है तो वो सबसे पहले हम कॉनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं, और इसके अंदर हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जो कि है पोटेशियम क्रोमेट, और हम क्या करेंगे ब्यूरेट में AgNO3 ले लेंगे सिल्वर नाइट्रेट जो कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो है सोडियम क्लोराइड के साथ में टाइट्रेशन करता है तो वो बनाता है AgCl प्रेसिपिटेट। उसके बाद में जब सारे जो क्लोराइड आयन्स होते हैं सोडियम क्लोराइड के वो टाइट्रेट हो जाते हैं AgNO3 के साथ में, तो फर्दर जब AgNO3 जो है वो जाता है कॉनिकल फ्लास्क में फिर वो रिएक्शन करता है पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर के साथ में, फिर वो फॉर्म करता है एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो कि होता है सिल्वर क्रोमेट। तो ये है इसका मेनली प्रिंसिपल। अब हम अगर प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट्स की बात करें, इसके अंदर हम रिएजेंट्स का प्रिपरेशन करते हैं तो तीन हम रिएजेंट्स इसमें फॉर्म करते हैं। फर्स्ट हम प्रिपरेशन करेंगे 0.1 नॉर्मेलिटी में AgNO3 सॉल्यूशन की, तो वो हम कैसे करेंगे, हम 16.4 ग्राम AgNO3 लेंगे, उसको हम डिसॉल्व करेंगे 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में, तो ये हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी 0.1 नॉर्मेलिटी AgNO3 की। सेकंड हम ऐसे ही प्रिपरेशन करेंगे 0.1 नॉर्मेलिटी का सोडियम क्लोराइड की, फिर इसमें हम लेंगे 5.34 ग्राम ऑफ NaCl, उसको हम डिसॉल्व करेंगे 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में। उसके बाद में हम थर्ड प्रिपरेशन करेंगे इंडिकेटर की जो कि हमारा पोटेशियम क्रोमेट है, तो इसमें हम 5% पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर डालेंगे, तो उसके लिए हम 5 ग्राम ही पोटेशियम क्रोमेट जो है लेंगे, उसको हम डिसॉल्व करेंगे 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में। तो ये हमारी प्रिपरेशन हो गई रिएजेंट्स की। इसके बाद में हम इसके प्रोसीजर में दो स्टेप देखेंगे जनरली। फर्स्ट स्टेप में हम प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे 0.1 नॉर्मेलिटी AgNO3 की, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में हम एस्टिमेशन करेंगे सोडियम क्लोराइड का। गाइस अब हम यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें तो इसमें दो स्टेप है जनरली। तो फर्स्ट स्टेप में हम प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे 0.1 N सिल्वर नाइट्रेट का, तो इसमें हम सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर हम 10 ml 0.1 नॉर्मेलिटी का सोडियम क्लोराइड देते हैं, और उसमें हम ऐड करते हैं 1 ml पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। तो इस तरीके से हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम इन दोनों को टाइट्रेट करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, तब जब तक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है उसकी अपियरेंस नहीं आ जाती। अब इसमें जो टाइट्रेशन होता है वो हम तीन से ज्यादा बार भी कर सकते हैं, तीन से ज्यादा टाइम भी कर सकते हैं हम, जब तक हमें प्रिसाइज जो है वो नहीं मिल जाती है वैल्यू। तो इसमें हम इसमें जो रीडिंग्स आती है वो जब दो या फिर ज्यादा जो है सेम आती है, जैसे एक बार 10.5 आ गई, दूसरी बार 10.3 आ गई, तो तीसरी बार अगर 10.5 आ गई तो यहाँ पे जो प्रिसाइज रीडिंग जो है वो हम 10.5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी रीडिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी रीडिंग अज्यूम कर रहे हैं कि XML जो है इसकी रीडिंग आई। इसके बाद में हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 = N2V2। अब इसमें हमें फाइंड करनी है नॉर्मलिटी कि AgNO3 की नॉर्मलिटी जो है वो कितनी आएगी। तो यहाँ पे N1 और V1 जो है वो नॉर्मलिटी और वॉल्यूम है सिल्वर नाइट्रेट का, और N2 और V2 नॉर्मलिटी और वॉल्यूम है सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे N1 तो है हमें फाइंड करना, और V1 जो हमें रीडिंग आई है AgNO3 की, तो वहां पे हम X वैल्यू पुट कर देंगे, और N2 जो कि नॉर्मेलिटी सोडियम क्लोराइड की है 0.1 N, तो वो हम पुट कर देंगे, और हमने वॉल्यूम जितना लिया है 10 ml वो हम पुट कर देंगे सोडियम क्लोराइड का।
तो फर्दर हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि जो नॉर्मलिटी हमारी आएगी सिल्वर नाइट्रेट की वो आएगी वाई नॉर्मल। तो अब हम जो सेकेंड स्टेप है वो करेंगे एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे 0.25 ग्राम सोडियम क्लोराइड कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, इसको हम डिसॉल्व करेंगे 50 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, और फिर इसके अंदर हम इंडिकेटर ऐड करेंगे 1 ml पोटेशियम क्रोमेट। अब इसके बाद में हम इन दोनों को टाइट्रेट करवाते हैं स्टैंडर्डाइज्ड AgNO3 सॉल्यूशन के साथ में, जो हमने ऊपर नॉर्मलिटी में बनाया था सिल्वर नाइट्रेट, उसकी मदद से हम इसका टाइट्रेशन करवाते हैं जब तक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म नहीं हो जाता। अब इसके अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्दर इसकी जो ब्यूरेट की रीडिंग आई है वो आई ZML। अब इसके बाद में अगर हम कैलकुलेशन करें तो जनरली कैलकुलेशन में हम ये देखेंगे कि 1 ml 0.1 नॉर्मलिटी सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो इक्वलेंट होता है 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी NaCl के। तो इसके साथ में अब हम जो है कैलकुलेट करेंगे कि ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी सिल्वर नाइट्रेट में कि हर ml सिल्वर नाइट्रेट का जो है उसके अंदर कितना ग्राम में जो है सिल्वर क्लोराइड प्रेजेंट है, तो वो हम पता करेंगे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे सिल्वर क्लोराइड का, तो सॉरी सोडियम क्लोराइड का, तो वो होता है 58.4 ग्राम, और ये 1000 per 1000 ml होता है, तो इसकी जो नॉर्मलिटी है वो 1 n होती है। तो अगर हम 0.1 नॉर्मलिटी के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वो आएगा 5.84 ग्राम पर 1000 ml। इसके बाद में हमें ईच ml के लिए निकालना है पर ml के लिए, तो 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaCl जो है वो इक्वल होता है 0.00584 ग्राम के। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3 जो है वो इक्वल होता है 0.00584 ग्राम ऑफ NaCl के, कि मतलब इतना ग्राम NaCl जो है वो ईच ml में प्रेजेंट है सिल्वर नाइट्रेट के। अब इसके बाद में हम फाइनली परसेंटेज प्योरिटी जो है वो निकालेंगे सोडियम क्लोराइड की, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल नॉर्मलिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इनटू 0.00584 जो कि इक्विवेलेंट फैक्टर है। तो ये जो है हम एज अ इक्विवेलेंट फैक्टर लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू आ गई इंटू 100। अब इसको हम डिवाइड करते हैं वेट ऑफ NaCl इनटू एक्सपेक्टेड नॉर्मलिटी ऑफ AgNO3, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो AgNO3 का है वो आएगा ZML, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो रीडिंग आई है ब्यूरेट में सिल्वर नाइट्रेट की वो आई है ZML फाइनल रीडिंग, इनटू हम एक्चुअल नॉर्मलिटी लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट की जो कि हमने पहले निकाली थी Y नॉर्मल करके, इनटू हम जो है इक्विवेलेंट फैक्टर डाल देंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी डिवाइडेड बाय 0.25 ग्राम हमने सोडियम क्लोराइड जो है वो लिया था, तो वो हम पुट कर देंगे, और एक्सपेक्टेड नॉर्मलिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मतलब कितनी नॉर्मलिटी के लिए हम ये सब कर रहे हैं तो वो 0.1 n आ जाएगा। तो ऐसे करके हम परसेंटेज प्योरिटी जो है वो निकाल सकते हैं सोडियम क्लोराइड की। सो गाइज इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माय न्यू वीडियोस।